क्लियर होता है ऐसे यार, तू मेरा क्यों झंड करती है ये बता। और प्लीज देख भाई, मेरे को ना तेरे से पूरी लेना देना नहीं है, ठीक है? सॉरी ना बेटा, जो तूने किया ना बेटा, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज जो है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ हमारी जो भी स्टोरी हुई है उस सब के बारे में, एंड कबीर जो है अभी मेरे से कैसे बात कर रहे हैं उसके बारे में। सो गाइस, पहले मैं बता दूं कि जो मैंने किया था उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि मैंने क्यों किया, बिकॉज अब उसकी वजह से मेरी लाइफ स्पॉइल हो रही है, मतलब ख़राब हो रही है, क्योंकि मुझको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो सब चीज़ें उतनी सीरियस जाएंगी कि मेरी रिलेशन की ए टू जेड हो जाएगी। एंड अभी जो है कबीर मेरे से बात करने को रेडी नहीं है यार, मतलब क्या बोलूँ मैं यार, बोलती हूँ ना तो मुझको अंदर से ना ऐसे रोना आता है यार। ऊपर से लोग पता नहीं आजू बाजू के जितने भी लोग उसके जान पहचान के उसको क्यों भड़का रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने उसके ऊपर किया था सो वो ख़त्म हो गया, लेकिन लोग उसको इतना ज़्यादा भड़का रहे हैं कि उसके दिमाग में ये चीज़ सेट हो गई है कि मैंने बहुत बड़ी गलती किया और उस गलती की कोई माफ़ी नहीं है। और पता नहीं, वो भी मुझको हमेशा माफ़ कर देता था, बट अब वो ऐसा क्यों कर रहा है मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। उसने को हर तरह से ब्लॉक कर दिया है सब कुछ। अब मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी सिस्टर का, मतलब एक जो मेरी छोटी सिस्टर है उसका मैं फ़ोन लेके आई हूँ ताकि मैं उसको कॉल पे बात कर सकूँ। सो मैं आप लोगों को आज दिखाती हूँ कि वो उसका बिहेवियर मेरे लिए कितना ख़राब हो चुका है। वो मेरे से बात तक नहीं करना चाहता, मुझसे मिलना तो बहुत दूर की बात है। जितनी बार भी मैंने उसको बहाने से भी बुलाया, उसको मनाने की कोशिश पूरी पूरी की है, बट वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। अगर आप लोग को ऐसा कुछ समझ आ रहा है कि मैं उसको कैसे मना सकती हूँ, तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि मैं उसको कैसे मनाऊँ। सो अभी मैं ना एक काम करती हूँ, मैं अब कॉल करती हूँ उसको और देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि आज वो मेरी बात समझ जाए यार, अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो उसको समझ जाना चाहिए, देखते हैं क्या। सो गाइज, आपने रीसेंट वीडियो भी देखा होगा जिसमें उसकी एक्स से मैंने बात कर ली और उस वजह से वो और गुस्सा हो गया। मतलब मैं कुछ भी करती हूँ तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि वो मान जाए। अभी मैंने उसकी एक्स से बात की है तो उसको उससे भी प्रॉब्लम है कि मैंने फिर उसकी एक्स की बातों में आ रही, जबकि मैं बातों में नहीं आई थी, मैं उसको क्लियर कर रही थी कि मेरी गलती नहीं है, वो आपको बदनाम कर रही है, बट कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अभी उसको कॉल लगाती हूँ, आप देखिए अब क्या। सो गाइज, ये मेरी बहन का फ़ोन है जो मैं लेके आई हूँ और अब मैं उसे कॉल कर रही हूँ, देखते हैं। आई होप कि वो आज मान जाए और सब ठीक हो जाए। मुझे लग रहा है जहाँ तक कि, देखते हैं अब क्या होता है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कट कर दिया है। कृपया कुछ समय पश्चात। काट दिया, ट्राई करते दोबारा से। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। यार एक बार उठा लो यार। मैं कितना तुझे देखा, मुझे ना भरे। मैं कितना तुझे, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी। मैं कितना तुझे देखा, मुझे ना भरे। हेलो, क्या हुआ? फोन कॉल क्यों काट रहे हो? कॉल कर चुकी है ये बता। यार बाबू, आपसे बात करने के लिए कर रही हूँ ना। अभी अभी भी सुन नहीं मिला क्या तेरे को? यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो यार? मैं तुमसे कितने दिन से ट्राई कर रही हूँ बात करने का। कुछ करना बाकी रह गया क्या? और कुछ कहना बाकी रह गया क्या? मैं तो बस क्लियर करा रही थी ना उससे बात। ये क्लियर होता है ऐसे? यार तू मेरा क्यों झंड कर रही है ये बता। देख भाई, मेरे को ना तेरे से पूरी लेना देना नहीं है, तू मेरे को कॉल मत किया कर। यार मान जाओ ना प्लीज, कबीर मिलने आ जाओ प्लीज। देख मेरे को इरिटेट मत कर, सबसे पहली बात मैं बहुत अभी परेशान चल रहा हूँ, ठीक है?
ये ड्रामा करना बंद कर दे, ठीक है ना? तू मेरी गलती थी, मैंने मानी ना, अब तुम ऐसी क्यों कर रहे हो? मुझे तेरे से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? I'm sorry ना बेटा, जो तूने किया ना बेटा वो तो कभी भूलूंगा नहीं मैं, ठीक है ना? तू आके वहाँ पे क्या क्या बोल रही थी लड़की के साथ, वो मेरा कैसे बोल रही थी, कैसे कैसे बोल रही थी बेटा? मैं ना क्या बोलूं, मुंह से मेरे को ना ऐसा बात निकल रही है भाई, तेरे को मेरे को कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है, तू लड़की है ना यार, मान जाओ ना यार, प्लीज मान जाओ ना, लास्ट टाइम मेरे को एक चांस तो दो। तेरे को मैं आधा चांस नहीं दे सकता मैं, प्लीज यार, सॉरी ना, मत कर दो। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी ब्लॉक कर दिया यार, ये वाला नंबर भी यार, देख रहे हो यार आप लोग कैसे कर रहे हैं यार, ये लड़का एक बार भी नहीं मान रहा मेरी बात, मैं बस इसको सॉरी बोल रही हूँ, इसको माफ़ी मांग रही हूँ इतनी, बट ये मान ही नहीं रहा यार, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।